खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हिमाचल के सोलन में ढाबे की इमारत गिरने से मरने वालों की तादाद 11 हुई, इनमें सेना के 10 जवान हैं। सोलन में जिस होटल की इमारत गिरी है उस होटल के मालिक की पत्नी की भी मौत हो गई है। मलबे में दबे 3 लोगों को निकालने के लिए अब भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने ग्राउंड जीरो पर जाकर अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुंबई में बुधवार की रात से लापता दिव्यांश का अब तक पता नहीं, पुलिस ने दोपहर 3 बजे तक ढूंढ कर लाने का वादा किया। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में भरा पानी, फंसे हुए लोगों को ट्रैक्टर से रेस्क्यू कर निकाला जा रहा है। हरियाणा के अंबाला में लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में 2 फीट तक पानी भरा, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी पानी में हुई खराब। बिहार में बारिश से बाढ़ के हालात, अब तक 18 से ज्यादा लोगों की मौत, 18 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। बिहार में 6 जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, कोसी, गंडक, लखनदेई, बागमती नदियां उफान पर हैं। बिहार के सीतामढ़ी में बाढ़ में फंसे बीमार आदमी की इलाज न मिलने से मौत, नदी किनारे फंसे होने की वजह से गई जान। बिहार के सीतामढ़ी में बाढ़ का पानी पार करने के दौरान ट्रैक्टर पलटा, हादसे के बाद से 5 लोग लापता। बिहार के मधुबनी में बाढ़ से हालात खराब, हालात देखने पहुंचे सांसद रामप्रीत मंडल पर नाराज लोगों ने हमला किया, किसी तरह बचकर निकले। बिहार के अररिया में बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे सांसद प्रदीप सिंह के खिलाफ नारेबाजी हुई है। बिहार के अररिया में शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को जल भराव से बचाने के लिए ड्रम की नाव बनाई गई, इसी नाव से दूल्हा दुल्हन को विदाई भी दी गई। बिहार के रक्सौल में तिलावे नदी पर बना बांध टूटा, पानी हाईवे तक पहुंचा। बिहार के दरभंगा में नदियों के कटाव होने के बाद 9 ब्लॉकों में बाढ़ का पानी भरा, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भेजी गई। बिहार के मोतिहारी में भी 100 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी भरा, लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने में जुटी है एनडीआरएफ की टीम। बिहार के सहरसा में कोसी नदी का पानी बढ़ने से हजारों परिवार बाढ़ की चपेट में। बिहार के समस्तीपुर में गंडक नदी में पानी बढ़ने से हालात गंभीर, 10 में से 7 ब्लॉक प्रभावित। बिहार के समस्तीपुर में 10 साल के बच्चे की गड्ढे में डूबने से मौत, गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया। बिहार के सुपौल में कोसी नदी उफान पर हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुसा। सुपौल में बाढ़ राहत सामग्री न मिलने से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया, हाईवे पर टायर जलाकर जाम किया। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ का पानी पुलिस लाइन में घुसा, जवानों की बैरक 2 फीट तक पानी से घिरी। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी लखनदेई और बूढ़ी गंडक नदियां उफान पर, दर्जन भर से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। यूपी के सीतापुर में घाघरा और शारदा नदियों का जलस्तर अचानक खतरे के निशान के पार, 350 से ज्यादा परिवार के 1200 लोग टापू पर फंसे। यूपी के बस्ती जिले में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा, दर्जनों गांव पर डूबने का खतरा। यूपी के बिजनौर में बारिश की वजह से NH-119 पर जलभराव से लगा जाम। यूपी के सिद्धार्थनगर में निर्माणाधीन पुल के पास दर्जनों गांव में पानी भरा। यूपी के देवरिया में पानी की तेज धारा से सड़क को नुकसान। यूपी के जौनपुर में गोमती नदी में छलांग लगाते युवकों की स्टंटबाजी की तस्वीरें सामने आई। यूपी के बहराइच में सरयू नदी में नहाने गए 2 चचेरे भाइयों की डूबने से मौत। यूपी के बलरामपुर में बारिश से नदियां उफान पर, दर्जनों गांव पर बाढ़ में डूबने का खतरा। यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में रहने वालों का पलायन। यूपी के मिर्जापुर में डीएम ने खुद संभाली सफाई अभियान की कमान, तालाब में घुसकर टीम के साथ मलबे को साफ करवाया। असम के 28 जिलों में भीषण बाढ़, मरने वालों की संख्या 11 हुई, करीब 26.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहर बरपा रही है, बारपेटा, मोरीगांव और छुबरी जिले सबसे ज्यादा प्रभावित। असम के चिरांग में लगातार बारिश से नदियों का पानी निचले इलाकों में घुस गया है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारी बारिश से बड़ी मुसीबत, लगातार बारिश से नदियां भी उफान पर।
अगरतला में हावड़ा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पश्चिमी त्रिपुरा और खोवाई जिले में बाढ़ का खतरा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, नाले में गिरने से एक शख्स की मौत। एमपी के मंडला में सड़क निर्माण के लिए खेत में खोदे गए गड्ढे में डूबने से दो सगी बहनों समेत चार बच्चों की मौत। प्रशासन ने किया 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान। एमपी के खंडवा में तालाब में नहाने गए तीन बच्चों की डूबकर हुई मौत। राजधानी दिल्ली के केशवपुरम इलाके में जूते की फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। राजधानी दिल्ली के करोल बाग में डीटीसी की बेकाबू बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, आधा दर्जन लोग घायल, एक महिला की हालत गंभीर। यूपी की राजधानी लखनऊ में रोडवेज बस ने बच्चों की वैन को मारी टक्कर, हादसे में 6 बच्चे घायल, ड्राइवर भी जख्मी। यूपी के अलीगढ़ में 20,000 का इनामी बदमाश अमरपाल गिरफ्तार, पुलिस से मुठभेड़ में हुआ घायल। पंजाब के मुक्तसर में डबल मर्डर के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन, दो गुटों के बीच फायरिंग में हुई थी मौत। नवजोत सिंह सिद्धू ने आखिरकार पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह को इस्तीफा भेजा। पंजाब सरकार के मंत्रियों ने सिद्धू पर निशाना साधा था, कहा सिद्धू को इस्तीफा देना ही है तो कैप्टन अमरिंदर को दें। नवजोत सिद्धू ने बीती 10 जून को पंजाब कैबिनेट से इस्तीफा दिया था, उन्होंने इस्तीफा राहुल गांधी को सौंपा था। राहुल गांधी के इस्तीफे की पेशकश के आज 50 दिन पूरे हुए, अभी तक नए कांग्रेस अध्यक्ष का ऐलान नहीं। कर्नाटक में बागी विधायकों को बनाने की कोशिश में असफल कांग्रेस, बागी विधायकों की संख्या 16 पहुंची, मुंबई में मौजूद हैं सभी बागी कांग्रेस विधायक। पूर्व सीएम सिद्धारमैया से मुलाकात के बाद इस्तीफा देने से इनकार करने वाले विधायक नागराज भी पलटे, दोबारा बागी विधायकों के साथ मुंबई में दिखे। कर्नाटक के बागी कांग्रेस विधायकों ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा सभी विधायक इस्तीफा देंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक की बेटी साक्षी और अजितेश को सुरक्षा देने का आदेश दिया, कोर्ट परिसर में मारपीट की घटना पर भी नाराजगी। अजितेश ने कहा है कि हमला करने वालों ने साक्षी और उनके अलावा सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों पर भी हमला किया, वकीलों पर लगाया हमले का आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटाई के दौरान साक्षी ने अपने पति अजितेश को बचाने की कोशिश की, उसके साथ भी धक्का मुक्की की खबर। अजितेश की कोर्ट परिसर में पिटाई से इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए जिला प्रशासन से मांगा जवाब। चौंकाने वाली बात यह है कि साक्षी और अजितेश को पुलिस सुरक्षा दी गई है, उसके बावजूद कुछ लोगों ने अजितेश को पीट दिया। आरोप है कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में अजितेश को पीटा जा रहा था तब उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस मूक दर्शक बनी रही। साक्षी और अजितेश के प्रेम विवाह में नया मोड़ आया, बीजेपी के ही एक विधायक श्याम बिहारी की एक युवक से चैटिंग वायरल, साक्षी के पिता राजेश मिश्रा के खिलाफ साजिश रचने का आरोप। बरेली के साक्षी अजितेश शादी प्रकरण पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, अफसरों से ली रिपोर्ट, सीएम ने अफसरों से पूछा है कि प्रकरण के पीछे राजनीतिक साजिश तो नहीं, क्योंकि एक और विधायक का नाम आ रहा है। साक्षी के पति अजितेश की सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हुई, तस्वीरों में अवैध हथियार के लिए नजर आ रहे हैं अजितेश, पुलिस ने जांच शुरू की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में साक्षी और अजितेश की पेशी से पहले हाई वोल्टेज किडनैपिंग से सनसनी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 के सामने एक युवक और युवती की काले रंग की गाड़ी में अपहरण, पुलिस ने पड़ोस के कौशाम्बी जिले में गाड़ी पकड़ी। यूपी के हमीरपुर जिले की राठ तहसील में मनचलों का आतंक, सरेआम छेड़छाड़ की घटनाओं के बाद कई लड़कियों ने स्कूल जाना छोड़ा। यूपी के राठ की छात्राओं का कहना है कि पुलिस ने आरोपियों को छोड़ दिया, वो फिर उन्हें धमकी दे रहे हैं, लड़कियों को सुरक्षा देने के बजाय आपसी रंजिश का मामला बताने में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में प्रेम विवाह करने वाली लड़की जूबी ने वीडियो जारी कर मांगी सुरक्षा, परिजनों से बताया अपनी और पति की जान को खतरा। यूपी के अमरोहा में अनामिका नाम की लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, लड़की ने वीडियो जारी कर सुरक्षा की मांग की, लड़की के पिता ने दर्ज कराया है लड़के के खिलाफ मुकदमा। वीडियो को लेकर लड़की के पिता का आरोप, जबरन बनाया गया वीडियो, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के एटा में झूठी शान के लिए बेटी के प्रेमी की हत्या, युवती के माता पिता गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में छेड़छाड़ की शिकायत पर सुनवाई नहीं होने से परेशान 13 साल की नाबालिग लड़की ने खुदकुशी की।
एमपी के इंदौर में लव जिहाद का मामला सामने आया। हिंदू संगठनों ने आरोपी को सजा दिलाने के लिए थाने के सामने किया हनुमान चालीसा का पाठ। राजस्थान के जयपुर में पुलिस ने मोबाइल ट्रैक सिस्टम से लूट की बड़ी घटना का खुलासा किया। हरियाणा के फतेहाबाद में बाइक सवार के साथ महिलाओं की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, पुलिस के सामने लाठियों से हमला किया। यूपी में गायों की मौत पर योगी सरकार ने की सख्त कार्रवाई, 8 अधिकारियों को सस्पेंड किया, 3 को दिया शो कॉज नोटिस। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में थम नहीं रही राजनीतिक हिंसा, जिले के भाटपारा में 2 जगह बमबारी की घटना से तनाव। जम्मू के सांबा में बीएसएफ ने पाकिस्तान से आए घुसपैठिए को मार गिराया, देर रात 3 बजे भारतीय सीमा में घुस रहा था। भारत के आगे झुका पाकिस्तान, बिना वीजा हर रोज 5,000 श्रद्धालु जा सकेंगे करतारपुर, पाकिस्तान नहीं होने देगा भारत विरोधी गतिविधियां। वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया में धोनी का चुना जाना मुश्किल, 17 या 18 जुलाई को होनी है सिलेक्शन कमेटी की बैठक। सूत्रों ने बताया कि धोनी के रिटायरमेंट को लेकर चीफ सिलेक्टर एमएसके प्रसाद जल्द ही धोनी से बात करने वाले हैं। सूत्र बता रहे हैं कि धोनी 2020 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के प्लान का हिस्सा नहीं है। धोनी के दोस्त के हवाले से खुलासा, रिटायरमेंट के बाद टेरिटोरियल आर्मी में चुनौती वाली पोस्टिंग चाहते हैं, 8 साल पहले लेफ्टिनेंट कर्नल बने थे धोनी। 23 साल बाद मिला क्रिकेट को नया चैंपियन, न्यूजीलैंड को हराकर इंग्लैंड पहली बार बना विश्व चैंपियन। न्यूजीलैंड के 241 रन के जवाब में 241 रन ही बना पाई इंग्लैंड, सुपर ओवर में इंग्लैंड के 15 रनों का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड भी 15 रन ही बना पाई। मैच और सुपर ओवर दोनों टाई होने के बाद नियम अनुसार ज्यादा बाउंड्री मारने की वजह से इंग्लैंड विजेता बना। 50 ओवर के विश्व कप इतिहास में पहली बार हुआ सुपर ओवर, सुपर ओवर ने बनाया सुपर फाइनल। इंग्लैंड के विश्व चैंपियन बनने के सूत्रधार रहे बेन स्टोक्स, नाबाद 84 रन बनाने वाले स्टोक्स फाइनल में मैन ऑफ द मैच बने। टूर्नामेंट में शानदार कप्तानी और बल्ले से 578 रन बनाने वाले केन विलियमसन बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, सचिन तेंदुलकर ने दी ट्रॉफी। आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड को खराब फील्डिंग का खामियाजा उठाना पड़ा, ओवर थ्रो में इंग्लैंड को मिली बाउंड्री। इंग्लैंड के लिए मुश्किल हालात में बटलर ने खेली 59 रनों की अर्धशतकीय पारी, बटलर ने शतकीय साझेदारी पर पारी संभाला। न्यूजीलैंड के घातक गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट फाइनल में रहे बेअसर, 10 ओवर में बिना विकेट लिए गंवाए 67 रन। न्यूजीलैंड के लिए ओपनर हेनरी निकलसन ने 55 रनों की पारी खेली, टॉम लेथम ने भी महत्वपूर्ण 47 रन जोड़े। इंग्लैंड के लिए वोक्स और प्लैंकेट ने की शानदार गेंदबाजी, दोनों ने 3-3 विकेट झटके। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर इंग्लैंड को बधाई दी, न्यूजीलैंड के प्रदर्शन को भी सराहा, सचिन ने स्टोक्स और विलियमसन की भी तारीफ की। सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक योकोविच स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर को 5 सेटों तक चले मुकाबले में हराकर विंबलडन चैंपियन बन गए हैं, योकोविच ने 5वीं बार जीता है खिताब। विंबलडन का फाइनल मुकाबला 4 घंटे 57 मिनट तक चला, अकेले 5वां सेट ही करीब 2 घंटे का था, योकोविच ने मुकाबला 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 और 7-6 से जीता। योकोविच ने तीसरी बार विंबलडन फाइनल में स्विट्जरलैंड के फेडरर को हराया, इस जीत के साथ ही उन्होंने स्वीडन के ब्योर्न बोर्ग के 5 विंबलडन जीत के रिकॉर्ड की बराबरी की। हांगकांग में नेता कैरी लॉम के इस्तीफे के लिए मांग के लिए प्रदर्शन जारी, प्रदर्शनकारियों और पुलिस में भिड़ंत हुई। रूस के मॉस्को में 1,000 से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया, विपक्षी उम्मीदवार एलेक्सी नावलानी का नामांकन रद्द करने के विरोध में रैली।